नमस्कार, मैं अनुष्का, बिहारी न्यूज में आपका स्वागत है। आज शाम तक की खबरों को जानने से पहले एक नजर डालते हैं अब तक की सुर्खियों पर। बेरोजगारी के मामले में झारखंड से बेहतर हुआ बिहार। छठ पूजा को लेकर 22 जिलों में पुलिस हुई एक्स्ट्रा अलर्ट। मुंगेर रेल सह सड़क पुल पर दिसंबर से दौड़ेंगी गाड़ियां। आज घर घर लोगों ने खाया कद्दू भात का प्रसाद। दिल्ली से बिहार आने वाली ट्रेनों के साथ ही बसें भी हुई फुल। तो आइए अब जानते हैं खबरें विस्तार से। आज घर घर लोगों ने खाया कद्दू भात का प्रसाद। आज महापर्व के पहले दिन नहाए खाए को लेकर बिहार के कई घरों में कद्दू भात के प्रसाद को लोगों ने ग्रहण किया। इस दौरान दिन के वक्त घरों में अरवा चावल, चने और कद्दू की दाल बनते रहे, तो दूसरी तरफ छतों पर बांस डंडे थामे हुए गेहूं को सुखाने में कई लोग खड़े दिखे। जिन घरों में छठ पूजा हो रही है वहां उत्सवी सा माहौल देखने को मिला। वहीं हाट बाजारों में भी खरीदारी करने वाले लोगों की भीड़ दिखी। पर्व को लेकर गली मोहल्ले में छठी मैया के मनभावन गीत ने पूरे माहौल को ही भक्तिनुमा बना दिया। इस दौरान आज दोपहर तक कद्दू को कई जगहों पर 50 से 100 रुपए किलो पर भी बेचा गया। अब कल खरना पूजा है जिसमें परवैतिन लोग व्रत में रहने वाले हैं। नवंबर के दूसरे जनता दरबार का आज हुआ आयोजन। आज नवंबर महीने के दूसरे सोमवार को लेकर जनता के दरबार में मुख्यमंत्री कार्यक्रम का आयोजन हुआ, जिसमें मुख्यमंत्री ने अलग अलग जिलों से आए सैकड़ों फरियादियों की शिकायतों को सुनकर उचित कार्रवाई करने का आदेश दिया। आज के जनता दरबार कार्यक्रम में सीएम ने स्वास्थ्य विभाग, शिक्षा विभाग, समाज कल्याण विभाग, पिछड़ा और अति पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग, अनुसूचित जाति जनजाति कल्याण विभाग, अल्पसंख्यक कल्याण विभाग, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग, सूचना प्रौद्योगिकी विभाग, कला संस्कृति एवं युवा विभाग, वित्त विभाग, श्रम संसाधन और सामान्य प्रशासन विभाग से संबंधित शिकायतों को सुना, जिसके बाद अधिकारियों को जरूरी दिशा निर्देश भी दिए। आज के दरबार में भोजपुरी फिल्मों और गानों में भद्देपन को रोकने को लेकर बक्सर से एक युवक शिकायत लेकर पहुंचा था, जिसे लेकर सीएम ने मुख्य सचिव को इस मामले को देखने को कहा। छठ की शुरुआत के साथ ही बढ़ने वाला है ठंड का प्रकोप। बिहार में छठ की शुरुआत के साथ ही मौसम में बदलाव होने शुरू हो गए हैं। इस दौरान चार दिनों में रात के तापमान में गिरावट दर्ज की जाएगी। मौसम विभाग की तरफ से मिली जानकारी के मुताबिक इस दरमियान 9 से 12 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चलेंगी, जिससे रात में ठंड बढ़ जाएगी। हालांकि दिन के पारे में धूप की वजह से राहत मिलेगी। मौसम विभाग ने 48 घंटों के दौरान बिहार के सभी हिस्से में 9 से 12 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से पश्चिम हवा की तरफ से हवाएं चलने का पूर्वानुमान जारी किया है। पश्चिमी हवा के प्रभाव से दिन के साथ ही रात में भी पारा गिरेगा और छठ के दौरान ठंड के साथ साथ कोहरा भी छाया रहेगा। आज के तापमान की बात करें तो विभाग के मुताबिक आज पटना में अधिकतम तापमान 30 डिग्री और न्यूनतम तापमान 15 डिग्री होने के आसार है। मुंगेर रेल सह सड़क पुल पर दिसंबर से दौड़ेंगी गाड़ियां। 18 साल से अटके मुंगेर रेल सह सड़क पुल पर 25 दिसंबर से गाड़ियां दौड़ने लगेंगी। बताते चलें कि इस गंगा रेल सह सड़क परियोजना के बन जाने से बेगूसराय और खगड़िया की दूरी मुंगेर से काफी कम रह जाएगी। मुंगेर से खगड़िया और बेगूसराय का सफर कुछ मिनटों में तय हो सकेगा। फिलहाल यह परियोजना करीब 13 साल से अटकी रहने के कारण इसकी लागत करीब 3 गुना बढ़ चुकी है। पहले लागत करीब 921 करोड़ रुपए थी, जो बढ़कर करीब 2774 करोड़ रुपए हो गई है। मुंगेर रेल सह सड़क पुल का अप्रोच रोड करीब 500 की लंबाई बनना है। इसके लिए 7 मौजे में करीब 9 हेक्टेयर जमीन में अधिग्रहण का पेच फंसा हुआ था। मिली जानकारी के मुताबिक इस पुल का लोकार्पण 25 दिसंबर 2021 को पूर्व पीएम अटल बिहारी वाजपेयी के जन्मदिन पर किया जाएगा और इस पर आवागमन शुरू हो जाएगा। सुशांत सिंह राजपूत केस में सीबीआई अमेरिका से मांगेगी मदद। बॉलीवुड अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत केस में सीबीआई एक बार फिर से एक्टिव हो गई है और अब सीबीआई ने अमेरिकी कंपनियों से मदद मांगी है। इसके तहत एक्टर के ईमेल और सोशल मीडिया अकाउंट की डिलीट हुई जानकारी हासिल करने में मदद मांगी है। इस मामले में जांच कर रही सीबीआई की टीम पिछले रिकॉर्ड को खंगालना चाहती है, जिससे कि आत्महत्या से जुड़े किसी पुराने कनेक्शन का पता लगाया जा सके। हिंदुस्तान टाइम्स की रिपोर्ट के अनुसार सीबीआई ने गूगल और फेसबुक से यह जानकारी MLAT यानी कि म्यूचुअल लीगल असिस्टेंस ट्रीटी के तहत मांगी है। इसमें डिलीट की हुई चैट्स, ईमेल या एक्टर की तरफ से की गई पोस्ट शामिल हैं। MLAT के जरिए दोनों देश घरेलू जांच में जानकारी हासिल कर सकते हैं। MLAT के तहत भारत में जानकारी साझा करने का अधिकारी गृह मंत्रालय के पास है, तब जबकि अमेरिका में यह काम अटॉर्नी जनरल के दफ्तर से होता है। पटना बेउर जेल में 23 छठ व्रतियों के लिए हुई पूजा की व्यवस्था। छठ पूजा को लेकर पटना का बेउर जेल भी आस्था की हवा से सुगंधित होने वाला है। यहां के 23 महिला पुरुष कैदी लोक आस्था का महापर्व छठ करने वाले हैं, जिसे लेकर जेल प्रशासन ने भी व्यवस्था पूरी रखी है। इसके तहत 14 महिलाएं जबकि 9 पुरुष बंदी जेल में ही छठ व्रत करने वाले हैं। इसे लेकर आज प्रशासन ने नहाए खाए की सामग्री का इंतजाम कर रखा था, तो वहीं खरना पूजन की भी व्यवस्था की गई है। जेल के अंदर ही महिला और पुरुष के लिए अलग अलग
तक तालाब बनाए गए हैं। बताते चले कि जेल प्रशासन की तरफ से तालाब के आसपास सुरक्षा के साथ अर्घ देने की व्यवस्था की जाएगी। बेरोजगारी के मामले में झारखंड से बेहतर हुआ बिहार। बिहार की बेरोजगारी वैसे तो किसी से छिपी नहीं है, लेकिन फिर भी कई राज्यों की अपेक्षा यहाँ की स्थिति बेहतर रखी गई है। ऐसा हम सेंटर फॉर मॉनिटरिंग ऑफ इंडियन इकोनॉमी की ताजा रिपोर्ट के हवाले कर रहे हैं, जिसके मुताबिक बिहार में अक्टूबर महीने में बेरोजगारी की दर 13.9% रही, जबकि इसी अवधि में पड़ोसी राज्य झारखंड में यह 18.1% आंकी गई है। इसके अलावा कुछ अन्य राज्यों की तुलना में अक्टूबर महीने में बिहार में बेरोजगारी की दर ज्यादा निराशाजनक नहीं पाई गई है। अक्टूबर महीने का अध्ययन के मुताबिक बेरोजगारी के मामले में हरियाणा 30.7 और राजस्थान 29.6% से क्रमशः पहले और दूसरे नंबर पर रहे। वहीं इस रिपोर्ट के मुताबिक ओडिशा को बड़ी उपलब्धि मिली है। इस स्टडी में ओडिशा में बेरोजगारी की दर सबसे कम 1.1 आंकी गई है, तो वहीं दूसरे स्थान पर कम बेरोजगारी के मामले में मध्य प्रदेश रहा है। पटना में जल्द ही बड़े मल्ल युद्ध प्रतियोगिता का होगा आयोजन। बिहार के लोगों के बीच जल्द ही कुश्ती पहलवानी के खेल में भी रुचि बढ़ाने का काम किया जाएगा। इसे लेकर भारतीय कुश्ती महासंघ की तरफ से राज्य के हर पंचायत में कुश्ती के प्रति लोगों को जागरूक किया जाएगा। इसके लिए राजधानी पटना में जल्द ही बड़े स्तर पर मल्ल युद्ध प्रतियोगिता का आयोजन होने वाला है, जिसमें दुनिया भर के ख्याति प्राप्त पहलवान जुटेंगे। इस बारे में एशियन चैंपियन रह चुके भारतीय कुश्ती महासंघ के भारतीय पद्धति के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने बीते दिन कहा कि युवाओं को कुश्ती कला प्रति जागरूक करने के लिए भारतीय कुश्ती महासंघ भारतीय पद्धति के तत्वाधान में बिहार कुश्ती संघ भारतीय पद्धति का गठन किया गया है, जिससे बिहार में विलुप्त हो रही कुश्ती कला को फिर से जीवित किया जाएगा, जिससे युवाओं में इस प्राचीन खेल के प्रति जागरूकता आएगी। इसका अध्यक्ष राज्य के पूर्व मंत्री ददन पहलवान को बनाया गया है। राज्यपाल और मुख्यमंत्री ने बिहार वासियों को दी छठ की बधाई। लोक आस्था का महान पर्व चार दिवसीय छठ पर्व की शुरुआत आज से हो गई है। इसे लेकर राज्यपाल फागू चौहान और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने समस्त राज्यवासियों को छठ की शुभकामनाएं दी हैं। इस खास मौके पर मुख्यमंत्री ने कहा कि यह महापर्व आत्मानुशासन का पर्व है। इसमें लोग आत्मिक शुद्धि और निर्मल मन से अस्ताचल और उदयमान भगवान सूर्य को अर्घ्य अर्पित करते हैं। इस अवसर पर सीएम ने भगवान भास्कर से राज्य की प्रगति, सुख समृद्धि, शांति और सौहार्द के लिए प्रार्थना की है। साथ ही राज्यवासियों से अपील की है कि वे इस महापर्व को मिलजुल कर आपसी प्रेम और परस्पर सद्भाव के साथ मनाएं। स्वर्गीय रामविलास पासवान को मरणोपरांत मिला पद्म भूषण पुरस्कार। देश भर के 119 जाने माने हस्तियों को इस साल 2021 का पद्म पुरस्कार दिए जा रहे हैं, जिसमें लोजपा के संस्थापक और केंद्रीय मंत्री स्वर्गीय रामविलास पासवान को मरणोपरांत पद्म भूषण पुरस्कार से सम्मानित किया गया। इस कार्यक्रम का आयोजन राष्ट्रपति भवन में किया गया, जहाँ महामहिम राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के हाथों मौजूद हस्तियों को ये पुरस्कार दिए गए। कार्यक्रम की शुरुआत आज दिन के 11 बजे से ही शुरू हुई। बताते चले कि स्वर्गीय रामविलास पासवान को दलितों का बड़ा नेता माना जाता है। उनके निधन के बाद से उन्हें भारत रत्न देने की भी मांग उठती रही है। वहीं पूर्व केंद्रीय मंत्री रामविलास पासवान को जन सेवा के क्षेत्र में विशेष योगदान के लिए मरणोपरांत यह सम्मान दिया गया। आपको बता दें कि बिहार के 5 हस्तियों का चयन इस बार पद्म सम्मान के लिए किया गया था, जिनमें लोजपा के संस्थापक के साथ ही गोवा की पूर्व राज्यपाल मृदुला सिन्हा को भी मरणोपरांत इस पुरस्कार से नवाजा गया। दिल्ली से बिहार आने वाली ट्रेनों के साथ ही बसें भी हुई फुल। अगर आप भी दिल्ली से बिहार का सफर करने वाले हैं और अब तक पर्व को लेकर बिहार नहीं पहुंचे हैं, तो आपको दिल्ली से यहां तक आने में काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है, क्योंकि ट्रेनें तो काफी लंबे समय से फुल चल रही थी और अब बसों के भी हाल वैसे ही हो गए हैं। वहीं अगर आप हवाई सफर के माध्यम से सफर करने की सोच रहे हैं, तो यह भी आपको परेशान करेगा, क्योंकि दिल्ली से पटना आने का विमान किराया भी आसमान छू रहा है। बीते दिन रविवार को दिल्ली से पटना आने का विमान आया अब तक का सबसे अधिक रहा और यह 14,000 के पार पहुंच गया। सोमवार के लिए भी यह 9,000 में से अधिक में ही मिल रहा था। ऐसे में अब जो लोग अब तक महानगरों से वापस अपने प्रदेश आना चाहते हैं, तो उन्हें दिक्कत हो सकती है। छठ पूजा को लेकर 22 जिलों में पुलिस हुई एक्स्ट्रा अलर्ट। बिहार का सबसे बड़ा त्यौहार छठ महापर्व आज से शुरू है और पर्व को लेकर लगातार दूसरे जिलों व राज्यों से लोगों का आवागमन जारी है। ऐसे में बड़ी संख्या में भीड़ जुटने की आशंका से पुलिस प्रशासन पहले से ही हाई अलर्ट पर है, ताकि किसी तरह की घटना पर समय रहते एक्शन लिया जा सके। इसे लेकर सूबे के 22 जिलों में सुरक्षा के लिहाज से अतिरिक्त पुलिस बल मुहैया कराया गया है, जिनमें सशस्त्र बल के अलावे लाठी पार्टी और होमगार्ड के भी जवान शामिल है। ये सभी जिला पुलिस की करेंगे। इनमें से ज्यादातर की तैनाती प्रमुख छठ घाटों के आसपास की जाएगी। इन 22 जिलों में पटना, नालंदा, गया, औरंगाबाद, जहानाबाद, कैमूर, मुजफ्फरपुर, सीतामढ़ी, वैशाली, भागलपुर और मुंगेर भी शामिल हैं। इसके अलावा बेगूसराय, दरभंगा, समस्तीपुर, सारण, सीवान, मोतिहारी, कटिहार, पूर्णिया, बांका, जमुई और लखीसराय जिले को भी अतिरिक्त बल मुहैया कराया गया है।
ये सभी प्रतिनियुक्त बल 13 नवंबर को वापस अपने मुख्यालय को लौट जाएंगे। शराबबंदी को लेकर कांग्रेस विधायक ने मुख्यमंत्री का किया समर्थन। बिहार में इन दिनों जहरीली शराब की वजह से 2 दर्जन से ज्यादा लोगों के जान माल को नुकसान पहुंचने के बाद एक बार फिर शराबबंदी का मुद्दा छाया हुआ है और विपक्ष के नेता नीतीश सरकार पर कई सवाल उठा रहे हैं। तो इस बीच मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को विपक्षी पार्टी कांग्रेस का समर्थन भी मिला है। कांग्रेस के विधायक शकील अहमद खान पूरी तरह से सरकार के समर्थन में उतर आए हैं, जिसके तहत मीडिया से बात करते हुए उन्होंने शराबबंदी कानून की जमकर तारीफ की। उन्होंने कहा कि इससे अल्पसंख्यक समाज, खासकर मुस्लिमों को बहुत फायदा पहुंचा है। वे विपक्षी दलों द्वारा शराबबंदी कानून पर सवाल खड़ा किए जाने पर शकील अहमद खान ने कहा कि यह कानून बिहार विधानमंडल से सभी दलों की सहमति से पारित हुआ था, ऐसे में किसी भी दल द्वारा इस पर सवाल नहीं उठाया जाना चाहिए। ओपनिंग वीकेंड के दौरान अक्षय कुमार की सूर्यवंशी ने की बंपर कमाई। कोरोना वायरस पैंडेमिक के दौरान लगभग 1.5 साल से बंद रहे सिनेमाघरों को अपने पैरों पर खड़े होने के लिए जिस बड़े सहारे की जरूरत थी, अक्षय कुमार की फिल्म सूर्यवंशी वही सहारा साबित हुई है। फिल्म ने ओपनिंग वीकेंड में धमाकेदार कमाई करके फिल्म इंडस्ट्री को बेहतर भविष्य की उम्मीद दी है। सूर्यवंशी के ओपनिंग वीकेंड के आंकड़ों में दर्शकों की सिनेमाघरों तक पहुंचने की रजामंदी भी नजर आती है, जिससे ट्रेड में भी उत्साह है। पूर्वानुमानों के मुताबिक ओपनिंग वीकेंड में सूर्यवंशी ने 80 करोड़ के आसपास जमा किए हैं। अगर अक्षय कुमार की पिछली फिल्मों की बात करें तो उनका सर्वश्रेष्ठ ओपनिंग वीकेंड मिशन मंगल का है, जो 2019 में आई थी। शोएब अख्तर को एंकर से विवाद करना पड़ा महंगा। पाकिस्तान के पूर्व तेज गेंदबाज शोएब अख्तर एक बार फिर सुर्खियों में है। पिछले दिनों लाइव टीवी शो में पूर्व क्रिकेटर शोएब अख्तर और एंकर नौमान नियाज के बीच झगड़े के बाद सरकारी टीवी चैनल PTV ने बड़ा एक्शन लिया है। पाकिस्तान टेलीविजन कॉरपोरेशन ने अख्तर से $100 मिलियन यानी कि 10 करोड़ पाकिस्तानी रुपए का हर्जाना मांगा है। आपको बता दें कि इस बात की जानकारी खुद शोएब अख्तर ने एक ट्वीट के जरिए दी है। बता दें कि अख्तर इस T20 वर्ल्ड कप में बतौर एक्सपर्ट इस चैनल के साथ जुड़े थे, लेकिन शो के एंकर नौमान नियाज के साथ उनकी बहस हो गई, जिसके बाद उन्होंने यह टीवी शो लाइव टेलीकास्ट के दौरान ही छोड़ दिया था। अब चैनल ने तेज गेंदबाज को नोटिस थमाया है। तो चलिए बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। आज का सवाल कुछ इस प्रकार है कि आपके अनुसार आज आपके आसपास छठ पूजा को लेकर घाटों की साफ सफाई का काम पूरा हुआ है या फिर नहीं। आप अपने जवाब हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताएं। और बिहार से जुड़े खबरों से अपडेटेड रहने के लिए जुड़े रहें बिहारी न्यूज़ के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।